इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड स्ट्रक्चर। अब चार्ल्स हैंडी ने 2007 में ये आइडेंटिफाई किया था। अब पिछले मॉडल में हमने ये देखा कि कल्चर होता कैसे, जस्ट टू आइडेंटिफाई द कल्चर। चार्ल्स हैंडी ने उसी मॉडल पे फर्दर काम किया और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कल्चर्स होते हैं तो वो चार किस्म के कल्चर्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ और ये किस बेस पे उन्होंने डिसाइड किया, फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ चेंज, कि जब भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आना है तो आप कितना क्विकली लेके आ सकते हैं, और सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क, कि ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है वो कितने यूनिक है या कितना कॉम्प्लेक्स है। जितना ज्यादा यूनिक होगा उतना ज्यादा वो टास्क कॉम्प्लेक्स भी होगा। सो रेट ऑफ चेंज रिक्वायर्ड एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क, इन दो की बेस पे उन्होंने चार कल्चर्स आइडेंटिफाई किए और उनको उन्होंने नाम दिया है बेसिकली ग्रीक गॉड्स के नेम पे, कि चार उनके गॉड्स हैं उनके नाम से उनको रिलेट किया। पहला कल्चर होता है पावर कल्चर। पावर कल्चर का क्या मतलब है, पावर कल्चर उन ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जहां पर रेट ऑफ चेंज हमें हाई चाहिए होता है बट कम्प्लेक्सिटी जो है वो कम होती है काम की। मतलब हम कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं कर रहे लेकिन कभी कभी हमें चेंज चाहिए होता है, रैपिड चेंज या सडन चेंज चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने डिसाइड किया कि हर महीने हम 100 यूनिट सेल करेंगे लेकिन इस मंथ हमें ऑर्डर आ गया कि हमने 2000 यूनिट्स बनाने हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया। अब रेट ऑफ चेंज यहाँ पे बहुत हाई होना चाहिए तभी आप ये ऑर्डर ले सकोगे और उसको फुलफिल कर सकोगे, बट ऑर्डर तो वही है, यूनिट्स तो आपने वही बनाने जो आप हर दफा बना रहे हो। तो यहां पर क्या चाहिए होता है, यहां पर पावर कल्चर काम करता है। पावर कल्चर का क्या मतलब है कि एक सीईओ होगा ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ा स्ट्रिक्ट होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, उसको शेयर होल्डर की पूरी सपोर्ट होगी और उससे कोई टक्कर नहीं ले सकता ऑर्गेनाइजेशन में। जो उसने कह दिया वो पत्थर पे लकीर होगी। तो इसका क्या बेनिफिट होगा पावर कल्चर में, कि जो सीईओ कह देगा वही आपने करना। तो अगर उसने कह दिया कि आपने 100 की जगह 2000 यूनिट बनाने हैं तो आपने बनाने हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसको ग्रीक गॉड ज्यूस से इन्होंने रिलेट किया हुआ है। ज्यूस वॉज बेसिकली द फादर ऑफ ऑल द गॉड्स दैट वॉज यूज टू कंसिडर इन ग्रीक हिस्ट्री कह लें इसको, या उनके कल्चर में। तो ज्यूस और गॉड ऑफ थंडर भी इसको बेसिकली कहा जाता है। तो इसी तरह पावर कल्चर को ज्यूस कल्चर कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। और ये कहाँ पर वर्क करता है, जहां पर रेट ऑफ चेंज बहुत हाई हो लेकिन हम कोई इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर रहे होते वहां पे। सेकेंडली रोल कल्चर होता है। रोल कल्चर को अपोलो से रिलेट किया जाता है। अपोलो गॉड जो है इसको कहा जाता है प्रोटेक्टर फ्रॉम एविल या हीलर बेसिकली। अब रोल कल्चर बेसिकली क्या होता है, रोल कल्चर में ये होता है कि आपका रेट ऑफ चेंज जो है वो बड़ा लो होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हर रोज कोई नया चेंज नहीं आ रहा होता, कोई चेंज आता भी है तो एक लॉन्ग टर्म में आता है, और जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई यूनिक नहीं है, डे टू डे काम आप चला रहे हैं। रोल स्ट्रक्चर की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहां पर इम्प्लॉयज एक मैनेजमेंट टीम होती है, वो अपने इम्प्लॉयज को बता देती है कि आपने जो भी काम करना है ये प्रोसीजर है, ये उसके स्टेप्स हैं और इसी को फॉलो करना है। ये क्या है, रोल कल्चर। अब इम्प्लॉयज को आप कुछ भी कहते हैं उन्होंने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, उनको पता हो कि ये स्टेप्स अननेसेसरी हैं वो फिर भी आप अपने कस्टमर से उसको फॉलो करवाएंगे क्योंकि उनको बता दिया गया है कि एक ट्रांजैक्शन करनी है तो इन 5 स्टेप्स में करनी है। वो ट्रांजैक्शन 6 स्टेप्स में भी नहीं करेंगे, वो 3 में भी नहीं करेंगे, वो 5 स्टेप्स में ही ट्रांजैक्शन होगी जो उनको बताया गया। इसको कहते हैं रोल कल्चर। ये वहां वर्क करता है जहां पर चेंजेस जो हैं वो इतने डायनामिक नहीं होते, इतने सडन नहीं होते, लॉन्ग टर्म में चेंज आता है और कम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन या वर्क प्रोसेस बड़ा लो होता है वहां पे। इसके बाद है टास्क कल्चर। टास्क कल्चर कहां पे वर्क करता है, जहां पर रेट ऑफ चेंज बहुत हाई होते हैं, हर रोज एक नया बड़ा चैलेंजिंग किस्म का इन्वायरमेंट होता है इन ऑर्गेनाइजेशन में, हर रोज एक नया चैलेंज उनको मिल रहा होता है और यहाँ पर जो यूनिकनेस या कम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो एक तो आपका इन्वायरमेंट चैलेंजिंग है
ऊपर से आप कॉम्प्लेक्स टास्क भी कर रहे हैं, तो यहां पर एथेना स्ट्रक्चर या टास्क स्ट्रक्चर बेसिकली फॉलो किया जाता है. एथेना वाज अ गॉडेस बेसिकली, शी वाज कंसीडर्ड एज अ गॉडेस ऑफ बैटल स्ट्रेटजी एंड विजडम. तो बैटल में कैसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है, कितनी सक्सेसफुल होगी, ये एथेना बेसिकली डिटरमिन, एथेना से वो लोग प्रे करते थे कि हमें जंग हम कर रहे हैं तो उसमें हम सक्सेसफुल हुए एंड सो ऑन. तो एथेना से ही डिराइव किया है उन्होंने ये टास्क कल्चर. अब टास्क कल्चर में क्या है, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर क्या चाहिए होगा, यहाँ पर टास्क कल्चर में आप टीम्स डेवलप करेंगे, टीम वर्क बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, सब लोगों को मिलके कोऑर्डिनेट करना होगा, हर रोज एक नए तरीके से एक टास्क को परफॉर्म करना होगा, क्योंकि हर रोज एक नई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, या बहुत हर मंथ एक नई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो एक नई चीजें भी आप इसमें सीखेंगे, और ट्रांजैक्शंस जो है वो यूनिक हैं, एक्टिविटीज जो है वो यूनिक हैं, तो हर दफा हर काम को करने का नया तरीका या इनोवेटिव तरीका आपको ढूंढना होगा. इसको कहते हैं टास्क कल्चर. यहाँ पर टास्क को कंसिडर किया जाएगा, सारी प्रायोरिटी जो है वो टास्क को ही दी जाएगी. ऑर्गेनाइजेशन में कौन कितना पावरफुल है, प्रोसीजर्स हमें क्या बताए गए थे काम करने के, वो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे. यहाँ पे काम आ गया, काम आपने करना है, वर्क शुड बी डन, तो वर्क डन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. इसके बाद है पर्सन कल्चर. अब पर्सन कल्चर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहां पर ट्रांजैक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स है, बट रेट ऑफ चेंज जो है वो बहुत लो है, कि आपको रोज कोई नया काम, इंप्लॉयज को हर रोज कोई नया काम नहीं करना, इंप्लॉयज को वही काम करना है, बट जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं. और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो मैनेजमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका काम सिर्फ ये होता है कि एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करना है, वो एम्प्लॉय को नहीं बताते कि आपने काम कैसे करना है. तो इस तरह के हम बेसिकली कल्चर को कहते हैं पर्सन कल्चर. और ये जो गॉड है इसको रिलेट किया हुआ डायनोसिस के साथ, डायनोसिस के साथ. अब इसमें एक्चुअली ये गॉड के नेम इसलिए मेंशन किए हुए हैं कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो टास्क कल्चर कहने की बजाय एथिना कल्चर का पूछ लेते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या होगा, तो इसलिए गॉड्स के नेम भी आपको पता होने चाहिए. तो डायनोसिस बेसिकली पर्सन कल्चर होता है. अब डायनोसिस जो है, डायनोसिस इज कंसिडर्ड एज अ गॉड ऑफ फ्रूटफुलनेस एंड वेजिटेशन, खाने पिलाने वाला गॉड. तो यहाँ पर मैनेजमेंट का भी यही काम होता है, उन्होंने एम्प्लॉय को नहीं बताना होता कि आपने कैसे काम करना है, उन्होंने सिर्फ एम्प्लॉय को खिलाना पिलाना होता है, उनको खुश रखना होता है, बाकी काम एम्प्लॉय करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी डॉक्टर को नहीं बताएगी कि सर्जरी कैसे करनी है, वो डॉक्टर को बहुत अच्छे तरह से पता है. और डॉक्टर अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो रोज उसने ऑर्थोपेडिक की सर्जरी करनी है, तो रेट ऑफ चेंज तो है ही नहीं यहाँ पे, रोज ही ऑर्थोपेडिक की सर्जरी हो रही है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी होती है, क्योंकि सर्जरी करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है. तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया उन्होंने, सिर्फ डॉक्टर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, बाकी का काम जो है वो एम्प्लॉय या डॉक्टर खुद करेगा. तो ये चार किस्म के कल्चर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही किस्म का कल्चर होगा, बट अगर दो ऑर्गेनाइजेशंस एक ही इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं और दोनों कंपेटिटर्स हैं, तो हो सकता है एक में पावर कल्चर हो, एक में पर्सन कल्चर हो, तो ये भी हो सकता है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही कल्चर हमेशा डोमिनेट करेगा. यहां तक क्लियर है?